मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको 5.3 का सेकंड क्वेश्चन कराया था, उससे पहले हमने इसका फर्स्ट क्वेश्चन किया था। आई होप आप सबने इसके सभी पार्ट्स कर लिए होंगे। आज हम उसका करेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के स्टूडेंट्स आपके 9-10 मार्क्स है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है आपका। इसको आप बहुत अच्छे से करोगे, इसमें से आपका एक क्वेश्चन आता ही आता है, हर एक सेट में एक एक पार्ट पक्का ही आएगा आपका। देखो इसमें क्या, आपको फर्स्ट पार्ट में ए कितना दिया हुआ है 5, बी कितना दिया हुआ है 3 और ए एन कितना दिया हुआ है 50। अब स्टूडेंट्स आपको ध्यान देना है, इसमें सिर्फ हम पूरे चैप्टर में दो ही फॉर्मूला यूज करेंगे, एक हमारे पास है ए एन का और एक हमारे पास एस एन का। जिसमें आपको ए एन दी गई हो तो आप पहले ए एन का फॉर्मूला लगाओगे और जिसमें एस एन दी गई हो तो आप एस एन का फॉर्मूला लगाओगे। अब इसमें हमें क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है और ए एन दिया हुआ है। याद क्या करना है, एन और एस एन। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि आपकी कितनी उसमें टर्म्स दी गई है, और एस एन क्या होता है आपका सम। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए हमारे पास डी है और ए एन है, क्या फाइंड करेंगे एन। देखो स्टूडेंट्स मैं पहले एस एन फाइंड नहीं कर सकती, क्योंकि एस एन फाइंड करने के लिए मुझे क्या चाहिए, एन चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एन। ए एन का फॉर्मूला कितना होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन कितना मेरे पास 50, ए 5 प्लस एन कितना है, एन की तो वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो एन को आप एन रखोगे और डी कितना दिया हुआ है 3। अब ये इधर क्या है, प्लस, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस, देन 50 माइनस 5 इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 3। इतना क्लियर है सबको। अब इसके इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 45 इक्वल्स टू एन माइनस 1 3। अब ये 3 के बीच में क्या है, जिसके बीच में कुछ होता है उसके बीच में क्या होता है हमेशा मल्टीप्लाई, तो ये 3 इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, 45 बाय 3 इक्वल्स टू एन माइनस 1। ये कितने पे कटेगा, 8 और 5 15 एन माइनस 1। अभी माइनस का तो इधर आगे क्या आएगा प्लस, एन कितना आ गया आपका स्टूडेंट्स 60। हमें दो ही चीजें निकालनी थी इसमें, एक एन निकालना था और एक एस एन। एन मैंने निकाल लिया, मुझे क्या निकालना है एस एन। तो आप क्या करोगे, अब एस एन का फॉर्मूला, एस एन का फॉर्मूला क्या था, एन बाय 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हम एस एन के लिए यूज करेंगे। एन कितना मेरे पास 16 बाय में 2 मल्टीप्लाई, ए कितनी है मेरे पास 5 प्लस एन कितना आया था 16 माइनस 1, डी कितना है 3, ये कितना हो जाएगा 8। ये पहले इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 10 प्लस ये कितना हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 3। अब क्या करेंगे हम, मैंने उस दिन भी आपको बताया था अगर प्लस दिया हो और मल्टीप्लाई तो पहले क्या परफॉर्म करना है आपको, हमेशा मल्टीप्लाई। कितना हो जाएगा 10 प्लस 15 थ्री जा 45, तो ये कितना हो गया आपका 55। अब 8 को आप क्या करोगे मल्टीप्लाई 55, ये आपकी क्या आ जाएगी मल्टीप्लाई करके एस एन की वैल्यू। इसी तरह से आपको क्या करना है, इसके बाकी सारे पार्ट्स करने हैं, सब में आपको या तो एन दिया हुआ, ए एन का कुछ दिया हुआ या फिर एस एन से रिलेटेड दिया हुआ। जिसमें ए एन होगा ए एन का फॉर्मूला और जिसमें एस एन होगा उसमें आप एस एन का ये फॉर्मूला लगाओगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर